हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डीजीजेस के नेक्स्ट भाग्यन की तरफ चलती हूँ। तो उससे पहले मैं एग्जांपल के थ्रू एक बात बता देती हूँ कि अगर किसी का मूलांक 5 हो गया एंड किसी दूसरे का भाग्यन 5 है, तो जिसका मूलांक 5 है उसको भी जो जो टाइप का बीमारी होगी, भाग्यन 5 वाले को भी वैसी ही बीमारी होगी, उसका रिलेटेड यानी कि 5 नंबर से रिलेटेड बीमारी होगी। लेकिन मूलांक 5 वाले वो बीमारी से, वो डीजीजेस से निकल सकते हैं कैसे करके, लेकिन भाग्यांक 5 वाले अगर उसको 5 का रिलेटेड डिजीजेस होगा तो वो इतना जल्दी उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। तो मैंने ये पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा क्लू दिया था कि भाग्यांक को मैं क्यों इंपॉर्टेंस लेती हूँ। और फिर मूलांक हमेशा आपको हेल्प करेगा, यानी कि मूलांक हमेशा आपको वो फेवरेबल, उसका अगर आप कलर भी पहनेंगे वो फेवर करेगा। लेकिन अगर आपका भाग्यांक, भाग्य कहते हैं ना, लक आपको कभी फेवर करेगा कभी नहीं करेगा, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आप आपके भाग्यांक के जैसे बन जाइए। यानी कि अभी नदी का बहाव एक भाग्यांक के जैसे होता है, अगर आप उसको अपोजिट में जाएंगे तो वो आपको बहुत परेशानी करेगा, लेकिन अगर आप उसके डायरेक्शन पे जाएंगे वो आपको हेल्प करेगा। वैसा ही होता है, लेकिन हमेशा ठीक डायरेक्शन पे जाना। अभी चलते हैं भाग्यांक 5 के तरफ। तो 5 नंबर का रिलेटेड डिजीजेस है। आप याद रखिए, मैं क्यों भाग्यांक, पर्टिकुलरली भाग्यांक क्यों बोलती हूँ ना, इसीलिए कि आपको जोड़ देती हूँ कि वो बीमारी यानी कि वो नंबर का भाग्यांक जिसका होगा वो बीमारी इतना इजी से नहीं जाएगा बॉडी से, वो रहेगा, छुपके रहेगा। जैसे भी आपका बॉडी थोड़ा सा वीक हुए तो अगर फास्ट कुछ बीमारी आपको अटैक करेगा वो होगा आपका भाग्यांक का। सो भाग्यांक 5 का क्या है, मैं पहले से भी कह चुकी हूँ, वो इंट्यूशन। याद रखिए एक बात, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके पास इंट्यूशन होगा उसके पास नर्वसनेस का बीमारी आएगी। आप अच्छे से इसको अच्छे से बाय हार्ट कीजिए और एग्जांपल दिखे। जिसके पास इंट्यूशन पावर होगा यानी कि क्या कुछ हो सकता है आगे जो देख पाएगा, उसको नर्वसनेस का बीमारी होती है। ये 5 वालों को होती है, 7 वालों को होती है, 8 वालों को थोड़ा होती है नर्वसनेस 8 वालों को रहता है, और 7 वालों को होती है। क्यों होता है ना, इंट्यूशन के वजह से 2 नंबर को भी होती है नर्वसनेस का बीमारी। तो यहाँ पे भाग्यांक 5 का क्या आ गया, एक 1 पॉइंट रहा कि नर्वसनेस का बीमारी। ये इतना इजी नहीं है, ये बहुत, क्योंकि डर मनुष्य को कुछ भी करने के लिए नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता। सो नेक्स्ट चलते हैं बिलियसनेस। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं बिलियसनेस का मीनिंग होता है कि हीट, बॉडी में हीट ऑटोमेटिक प्रोड्यूस होना। एंड आपको याद रखिए, मैं कहूँगी कि 5 नंबर इज द नंबर ऑफ लव। 6 को कहा जाता है कि वो गॉडेस लव का नंबर है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि आप सभी एस्ट्रोलॉजर से सुने होंगे कि 6 नंबर सेक्स का होता है, यानी कि काम भावना वहाँ पे 6 नंबर पे ज़्यादा रहता है। तो लेकिन विदाउट काम भावना को दूर करके जो प्योर लव होता है वो नंबर 5 का होता है। सो 5 नंबर वाले आप देखेंगे उनके मन में लव रहता है, लॉस्ट नहीं रहता है वो 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बातें हैं। 5 नंबर में आपको हर किसी का, जिसका मूलांक 5 हो, 15 हो, 25 हो, या उनका भाग्यांक 5, 15, 25 हो, या इन 25 एंड 35 भी भाग्यांक हो सकता है, 55 भी हो सकता है। तो मैं आपको एक ही बात बता दूं, जिनका भी भाग्यांक पे या मूलांक पे 5 अटैच हो गया या प्योर भी 5 रह गया, उनको बिलियसनेस का खतरा रहता है। यानी कि थोड़ा सा अगर गर्म खाना खाएंगे तो उनका जल्दी से बॉडी हीट हो जाएगा। और मैं एक बात कहती हूँ कि अगर बैलेंस्ड 5 होगा तो वो सबको लव करेगा। आप ये आजमा के एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं, मैं ये पूरा 100% मैंने जितने भी लोगों को देखी हूँ वो जिसको प्यार करते हैं उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, और फिर सभी को प्यार के तरह ही देखते हैं, तो नंबर ऑफ लव होता है। तो इसीलिए मैं, ये अगर गड़बड़ी हो जाएगी तो हमारा कैरेक्टर खराब होने का खतरा रहता है। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि बैलेंस्ड 5 होके रखिए। बैलेंस्ड 5 वो ग्रीन का है, वो सिंबल ऑफ ग्रीन, सिंबल ऑफ लव का है।
तो आपका अगर 5 पे बैलेंस्ड होगा तो आपका कैरेक्टर ठीक रहेगा और आपको सभी को लव करेंगे। लेकिन आजकल लोगों को कोई लव करे तो मेरे ख्याल से किसी को प्यार करना खराब नहीं होता, क्योंकि लव ही भगवान होते हैं, गॉड होता है लव। वो सभी को अच्छा देखता है, जो लव करता है दूसरे को वो बिना मतलब में उसी का फायदा चाहता है, लेकिन वो जो मतलब ही होता है वो छोड़ दीजिए। तो ये हो गया कि वो बिलियसनेस देता है, नर्वसनेस देता है। एंड हाँ, ये बहुत और एक पॉइंट है क्या ना, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम। सो रेस्पिरेशन पे बहुत कुछ प्रॉब्लम आता है, लेकिन मैंने अपनी जो एक्सपीरियंस से देखी हूँ, बहुत है रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है। लोग नोज से ब्रीदिंग नहीं कर पाते, उनको माउथ को ओपन करना पड़ता है। ये रेस्पिरेशन का, ब्रीदिंग का, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और ये पर्टिकुलरली जिन लोगों का 5 डेट ऑफ बर्थ पे अटैच हो जाता है, यानी कि मूलांक हो भाग्यांक पे, कंपाउंड भाग्यांक पे 5 आ जाएगा, उनका रहता है। तो भाग्यांक 5 का पता चल गया कि बिलियसनेस, नर्वसनेस एंड रेस्पिरेशन बहुत ये बड़ा है। मैं शॉर्टकट से बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, भाग्यांक 6 की तरफ चलते हैं। भाग्यांक 6 पे जनरली लिखा हुआ है नील कुछ भी बीमारियां नहीं होते, लेकिन फिर भी मैंने जितना स्टडी किया है, हीट के वजह से हीट रिलेटेड डिजीजेस होने का ज़्यादा खतरा रहता है। आप बॉयल्स ले सकते हैं, फीवर ले सकते हैं। एंड भाग्यांक 1 का रिलेटेड डिजीजेस होता है, आई साइट का होता है। आप सोच लीजिए, हीट के वजह से जो रिलेटेड डिजीजेस से भाग्यांक 6 को होने का खतरा रहता है। लेकिन और भी एक बात मैं भाग्यांक 6 के वालों को कह दूँ कि मैंने ज़्यादातर, और फिर क्या होता है ना, रिप्रोडक्शन को लेके भी हीट के वजह से, पर्टिकुलरली मैं कहती हूँ ना, हीट को रिलेटेड होके भी रिप्रोडक्शन का है। मेरा एक वीडियो है विन एंड यांग पे, इनफर्टिलिटी का राज क्या है, सो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने वो वीडियो में भी बताया हो कि हीट कैसे रिलेट करता है। तो इसी के वजह से आप सोच लीजिए, हीट के वजह से चारों तरह का जो रिलेटेड डिजीजेस है भाग्यांक चीज को होना हो सकता है। उसी में डायबिटीज भी होता है। डायबिटीज क्यों होता है, वो एनर्जी का अप डाउन करते हैं, यानी कि रात के 9 o'clock खाते होंगे, या उसके बाद तो सुबह 12 o'clock, उसके अगले दिन 12 o'clock खाते रहेंगे, ऐसे में होता है। दूसरे टाइप का होता है, वो जितना इंटेक करते हैं उतना, अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया तो उतना एनर्जी बॉडी में रह जाता है, वो भी डायबिटीज देता है, तो ऐसे में रहता है। तो ये रहा भाग्यांक 6 का। भाग्यांक 7 का क्या है, मैं कह चुकी हूँ कि भाग्यांक 7 आधा वात का है, आधा पित्त का है। अगर वो पित्त का है तो पित्त का रिलेटेड हीट का ही रिलेटेड डिजीजेस होगा, यानी कि बॉयल्स होगा, बॉडी में बॉयल्स होंगे, एंड जो पिंपल्स होता है और डिफरेंट टाइप का बॉडी में बॉयल्स होगा, फीवर होगा। अभी देखिए फीवर क्यों, अभी कभी कभी 15 डेज में या महीने में एक बार उनका बॉडी हीट हो जाएगा, तो वो ही एक रहता है। नेक्स्ट रहता है, मैं पहले भी 5 का जब कही थी तो बोली थी कि नर्वसनेस रहता है, बहुत ही डरे डरे हुए होते हैं। क्योंकि डरे हुए होते हैं, इसका रीजन भी मैं बताती हूँ। इंट्यूशन, वो आगे क्या होगा जो देख लेगा वो डरेगा। आप सोचिए, आप अभी आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, गाड़ी नहीं तो आप खुद सोच लीजिए, आप रास्ते में जा रहे हैं या आपका बच्चा खेल रहा है, वहां पे कुछ करंट है या फायर लगा हुआ है, कोई लोग रहते हैं मैं देखी हूँ उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको फर्क पड़ता है वो इंट्यूशन का मारा हुआ होता है। तो क्या हो सकता है, यही मनुष्य को डराता है, और यही डर नर्वसनेस होता है। मैं कभी हद तक कहती हूँ कि अच्छा है, लेकिन जब ये इम्बेलेंस होने लगे तो बहुत ही डेंजर है, इसी के वजह से क्राइम भी होता है। सो ये रहा 7 का, भाग्यांक 7 का, नर्वसनेस से, बॉयल से, फीवर से। मैं जब क्राइम की स्टोरी बताऊंगी, क्राइम का नंबर के साथ रिलेट करूंगी तभी बताऊंगी। अभी रहा भाग्यांक 8। भाग्यांक 8 का फास्ट है, फास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बोन्स को अटैक करता है, लेग्स को, लेग्स आप ले लीजिए, सैटर्न को लेग्स का ही, वहां को लेग्स पे ही वो डोमिनेट ज्यादा करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो लेग लीजिए, टीथ ले लीजिए, मैंने टीथ भी देखी हूँ, ईयर एंड आर्थराइटिस, यानी कि आपको बात रोग में जोड़ों का दर्द होगा या बॉडी पे पेन रहेगा, जो होगा वो भाग्यांक 8 को रिलेटेड होगा। एंड भी भाग्यांक 8 को रिलेटेड है नर्वसनेस, कभी कभी वो इंट्यूशन हो जाता है। एंड नर्वसनेस बात के लिए, बात में क्या होता है, बड़ी वीक होता है, एनर्जी कम हो जाता है,
तो इसके वजह से भी नर्वसनेस रहता है। तो ये रहा नेक्स्ट नाइन। नाइन आपको पता चल गया है, प्योरली हाई एनर्जी एंड हाई हीट वाला वो है, पित्त दोष से भरा पड़ा है। तो पित्त दोष के लिए क्या क्या रिलेटेड डिजीज, जैसे पाइल्स है, फीवर है, एंड फीवर तो होगा जनरली। और आप देखे होंगे भाग्यांक मूलांक नाइन वाले, उनका बॉडी नॉर्मल लोगों से टेम्परेचर, आप उनके बॉडी को टच करेंगे नॉर्मल बॉडी से, उनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा दिखाता होगा। सो ये मूलांक नाइन वालों का हो सकता है, भाग्यांक नाइन का है, पाइल्स हो सकता है, फीवर हो सकता है, किडनी का डिजीजेस होता है, एंड लैरिंजाइटिस का हो सकता है डीजी, इसका रिलेटेड डीजी। तो यहाँ पे आज ये कंक्लूड हो गया। लेकिन आज मैं इम्पोर्टेंट ये बात बताना चाहती हूँ कि आपका मूलांक अच्छा हो जाएगा अगर आप उसको थोड़ा सा केयर ले लेंगे। अभी मैं केयर कैसे बताती हूँ। अगर आपको कफ का बड़ी है तो आप जब कफ एग्रेवेट होता है तभी आपको अपोजिट खाना खाना चाहिए, पित्त का खाना खाना चाहिए। अभी आपको बात है, अगर बात एग्रेवेट हो रहा है, बात का सीजन याद रखिए, आपको जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जब भी रेनी सीजन शुरू होगा या ठंडा ठंडा फास्ट फास्ट ठंडा का सीजन, तो तभी बात एग्रेवेट हो जाता है। वही टाइम पे आपको पानी की मात्रा बढ़ा देना चाहिए, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो आपके बॉडी से बात कभी नहीं जाएगा। अभी रहा हीट, हीट कौन से हीट का सीजन पे, समर पे हीट ज़्यादा हो जाता है या फास्ट एयरली समर पे भी हो जाता है, तो वही टाइम को आपको पता चल गया कि आपको ऐसा कूल खाना खाना चाहिए जो आपका बॉडी में पित्त कम होके रहेगा। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने पुराने युग में हमारा खाने पीने का तरीका समर पे ये खाइए, विंटर पे ये खाइए, इसे कहा जाता था। सो आज के लिए बस उतना ही, थैंक यू।